2024 आ चुका है और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मत बनाइए। क्यों पता है? इस मैचस्टिक की वजह से। इसे जलाने पर सडनली इसका टेम्परेचर 700 डिग्री तक ऊपर जाता है, लेकिन कितने समय के लिए उतना ही रहता है। मैचस्टिक ज्यादा समय के लिए नहीं जलती, लेकिन अगर उसे पकड़े रहो तो आपको जला सकती है। मोटिवेशन कुछ ऐसा ही होता है। साल की शुरुआत में एकदम हाई कि कुछ बड़ा करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, कुछ नया फाड़ू करने की सोचते हैं। जनवरी में मोटिवेशन सबसे हाई होता है, जिम्स फुल होते हैं, सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, किताबें खरीदते हैं, खुद से वादे करते हैं कि ये साल अलग होगा। लेकिन हर साल 365 डेज के बाद यही सेम वादे रिपीट होते हैं। कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं लेकिन हम वही के वही रहते हैं। मैं 22 साल का था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मोटिवेशन एक स्कैम है, झूठ है, धोखा है। सच क्या है? इस साल को हम पिछले साल से बेहतर कैसे बना सकते हैं? चलिए यही सवाल भगवत गीता से पूछते हैं और बस 3 स्टेप में इस साल को जीतने का फॉर्मूला समझते हैं। चलिए आपसे एक सवाल है, फेलियर की शुरुआत कहां से होती है? हमसे हमेशा एक ही गलती होती है कि हम हमारी माइंड को कंट्रोल करने जाते हैं, खुद से पूरा सच छुपाते हैं और यही फेलियर की शुरुआत होती है। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 19 में हमें एक दिए का एग्जांपल दिया, एक ऐसा दिया जो ऐसे कमरे में है जहां कोई हवा नहीं आती। हवा नहीं तो दिए की ज्योत को हिलाने वाला, उसे बुझाने वाला कोई नहीं। ज्योति स्थिर है, लेकिन क्या हमारा मन स्थिर है? नहीं, क्योंकि हम हमेशा इन्फ्लुएंसेस से घिरे हुए होते हैं। इंस्टाग्राम सबसे बड़ा धोखा है। मैं मेरे दोस्तों को जब भी इंस्टाग्राम पर देखता हूं तो लगता है कि सबकी लाइफ सेट है, उन्हें दोनों मिल रहा है, जॉब में तरक्की मिल रही है और लॉन्ग ट्रिप्स पर जाने के लिए छुट्टी भी, उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है और फिटनेस भी, वो हर वीकेंड नया नया खाना ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी मस्त फिट है। सारा मोटापा मेरे ही पास आ रहा है। रिसर्च कहता है कि दुनिया के 40% लोग खुद को बदसूरत या फिर अनअट्रैक्टिव मानते हैं। कब? इंस्टाग्राम यूज करने पर। आज हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि हमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। हमारा दिया स्थिर हो ही नहीं सकता, हवाएं जो इतनी तेज चलती हैं। सबसे पहली एक्शनेबल टिप यही है कि सोशल मीडिया पर विश्वास रखना बंद करो। आइडेंटिफाई करो कि किन लोगों की स्टोरीज देखने पर आपको इनसिग्निफिकेंट फील होता है, आपको छोटा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी है, आप पीछे छूट रहे हैं, उन्हें अनफॉलो कर दो। शायद मैं ऐसा पहला कंटेंट क्रिएटर हूं जो लोगों को फॉलो नहीं अनफॉलो करने के लिए कह रहा हूं। सच में अगर आपको मेरी स्टोरीज देखने पर नेगेटिव महसूस होता है तो मुझे अनफॉलो कर दीजिए। आज इंस्टाग्राम पर म्यूट ऑप्शन भी है, तो अगर अनफॉलो नहीं कर सकते तो किसी की भी स्टोरी या पोस्ट आप म्यूट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, नए साल की शुरुआत नेगेटिविटी हटाने से कीजिए। अपने सर्कल को साफ कीजिए, अपने सोशल सर्कल को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो साल के शुरुआत में होते हैं वो फेल होते क्यों हैं? सिर्फ 2 रीजंस हैं। हम ओवर कमिट करते हैं और अंडर शेयर। मतलब क्या है? हम ओवर कमिट खुद से करते हैं। अगर हम पूरा साल 10 बजे उठा करते थे तो अचानक से 1 जनवरी को 5 बजे उठने का रेजोल्यूशन लेते हैं जो सिर्फ 2 दिन के लिए सक्सेसफुल हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने ओवर कमिट किया है। हमारी बॉडी को आदत ही नहीं। हम सोते तो रात को 2 बजे ही है लेकिन बॉडी को कहते हैं कि 5 बजे उठ जाओ। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि स्लीप हमारी सुपर पावर। जब नींद पूरी नहीं होती तो हम पूरा दिन थका थका महसूस करते हैं। हम हमारी बॉडी पर अत्याचार करते हैं, हमारी बॉडी के विलन बन जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई? बेटर मेथड यही है कि इस बात को समझो कि प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होती है। छोटे स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स, लॉन्ग लास्टिंग स्टेप्स। लाइफ T20 नहीं टेस्ट मैच है। यहाँ हमें क्रीज पर लंबे समय के लिए टिके रहना है। तो एक्शनेबल स्टेप क्या है? हर रोज आधा घंटा जल्दी उठ, बॉडी को एडजस्ट करने का समय दो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आधा घंटा जल्दी सोना स्टार्ट करो। बॉडी को कंट्रोल नहीं, बॉडी से कोऑपरेट करो। श्री कृष्ण आपका साथ देंगे क्योंकि उन्होंने ही भगवत गीता में प्रॉमिस किया है कि मैं आपके त्याग से खुद प्रेरित होता हूँ, मैं आपका स्ट्रगल देखकर खुश होता हूँ, मुझे आपके सैक्रिफाइस से लगाव है और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। एक्शनेबल टिप नंबर 2 है कि सिंपल और स्मॉल स्टेप्स लेने। जैसे अगर आपको किसी लंबे सफर पर जाना है तो गूगल मैप सिर्फ आपको अगले टर्न की जानकारी देता है, आपको भी सिर्फ अगले टर्न पर ही फोकस करना है। रास्ते में खड्डे हैं तो उन्हें अवॉइड करना है,
संभल के चलना है। कभी ना कभी रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा, एक आध दिन आपका रेजोल्यूशन टूटेगा। द ट्रिक इज कभी भी दो दिनों को बैक टू बैक तोड़ने मत दीजिए। और आप इस जर्नी में अकेले नहीं है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अंडर शेयर करते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। इसका मतलब यह है कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि आप कितने भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसीलिए आप ज्यादा समय ट्रैक पर नहीं रह पाएंगे। और इसमें गलती उनकी नहीं, आपकी है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम हमारे गोल्स को चुपचाप हमारी डायरी में लिख देते हैं, किसी को भी बताते नहीं। क्यों पता है? क्योंकि असली सच तो यही है कि हम फेलियर से डरते हैं। अगर हमने कमिट किया कि हमें इस साल 5 किलो वजन घटाना है और धूमधाम से सबको बता दिया और साल के एंड में कुछ वजन कम नहीं हुआ तो हम फेल हो गए तो नाक कट जाएगी। ये डर हमें हमारे गोल्स लोगों को बताने से रोकता है। और अगर हमने हमारे ही गोल्स लोगों को बताए ही नहीं तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे, वो हमारे हमराही कैसे बनेंगे अगर हमने पूछा ही नहीं तो। एक सिंपल तरीका है और वो है वो वे। वो मीन्स नॉट एंड वे मीन्स फोर्सिंग। कभी आपने आपके फेवरेट कॉमेडियन को स्टेज पर देखा है या फेवरेट आर्टिस्ट को गाना परफॉर्म करते हुए देखा है? क्या ऐसा लगता है कि वो काफी एफर्ट ले रहे हैं? क्या कभी लगता है कि वो काफी फोर्स कर रहे हैं? नहीं ना, लगता है कि ये काम उनके लिए कितना आसान है, वो इसी काम के लिए बने क्योंकि उन्होंने वो वे के कॉन्सेप्ट को अपने काम से जोड़ा है, अपने डेली रूटीन से जोड़ा है और अपने करियर में एक फ्लो लाया है। करियर की बात छोड़िए, लेकिन यही फ्लो हम हमारे डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। मुश्किल कामों को एफर्टलेस बना सकते हैं। कैसे? अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर। अपने गोल्स को अपने करीबी इंसान के साथ शेयर कीजिए, उन्हें अपने साथ ही बनाइए, उन्हें रिपोर्ट कीजिए, उनकी मदद लीजिए। आप अगर आपके नए साल के गोल्स अपने दोस्तों को नहीं बता सकते तो इसका मतलब यही है कि आप कन्विंस नहीं, आपको डर है, आपको विश्वास ही नहीं है कि आप उन्हें अचीव कर पाएंगे, इसीलिए आप उन्हें सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपके अंदर के प्रकाश पर अंधेरे की चादर चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने अंदर के प्रकाश को देख सकते हैं वो सीधा डिवाइन पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये पावर किसी भी रूप में आपको दिख सकती है। हो सकता है कि वो रूप आपके दोस्त का हो या फिर मेरा। महान मैं या आपका दोस्त नहीं है, महान वो शक्ति है जिसने हमें एज अ मीडियम चुना है आपसे बात करने के लिए, उसी भाषा में जो भाषा आप समझ पाए। सच कहता हूँ, ये जो वीडियोस होते हैं ये वीडियोस पूरे दिल से आते हैं और वीडियोस खत्म होने पर जब उन्हें मैं ही देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता कि क्या ये शब्द मेरे ही हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में मेरे ही मुंह से निकली हुई बातें मुझे ही हौसला देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि भगवद गीता को पढ़कर उसके नॉलेज को नई जनरेशन तक पहुंचाने के इस काम में श्री कृष्ण मेरे साथ। शायद इसीलिए ऐसे वीडियोस बनाना मुझे एक मॉडर्न डे यज्ञ लगता है, जहां मेरा काम बस मंत्र पढ़ने का है। लेकिन मंत्र मैंने लिखे हुए नहीं, किसी ऐसी शक्ति ने मुझसे लिखवाए हुए हैं जो मेरी समझ के परे, क्योंकि मेरी आपसे इतने डीप लेवल तक कनेक्ट करने की क्षमता ही नहीं है। ये काम श्री कृष्ण का ही हो सकता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक मैच स्टिक की बात की थी, जो मैच स्टिक आपके मोटिवेशन की तरह है। आप मोटिवेशन पर कितने समय के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं? अगर मोटिवेशन पर ज्यादा टाइम निर्भर रहे तो आप ही का नुकसान होगा। लेकिन इस मोटिवेशन का इस्तेमाल एक छोटे एक्शन के लिए कीजिए, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स जो आपको आगे ले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहां तक पहुंच ही गए हैं, देन लेट मी टेल यू कि हमारी ग्रोथ 365 कम्युनिटी को आज तक हजारों लोगों ने ज्वाइन किया है। ये हमारा 2024 का चैलेंज है, जहां हर बुधवार को हम भगवद गीता का एक वर्स और उसका मीनिंग आसान भाषा में समझते हैं, एक प्रैक्टिकल तरीके से, एग्जांपल्स के साथ। हम इस कम्युनिटी में नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, एंड दैट टू वन डे एट अ टाइम। साल के 365 डेज के लिए हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीखने मिलेगा, जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ हर दिन 1% ही क्यों ना हो बेहतर बना सकते हैं। शायद ये 2024 का सबसे अफोर्डेबल चैलेंज होगा, लेकिन फिर भी
हमारे ऑडियंस में से सिर्फ सिलेक्टेड 0.01% लोगों को ही हम यहाँ पर एंट्री देना चाहते हैं। अगर आप इस साल का हर दिन यादगार बनाना चाहते हैं तो हमारा ये चैलेंज जरूर लीजिए। आई प्रॉमिस आप रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, अगर आप इस वीडियो को इतने लंबे समय के लिए देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप दिल से आपके अगले साल को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस सफर में मेरा विश्वास कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके साथ, श्री कृष्ण मेरे साथ है, और इस वीडियो के थ्रू वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विश्वास कीजिए, आपके मन के अंदर जो साधु हैं, जो अच्छे विचार हैं, उनकी रक्षा श्री कृष्ण करेंगे। वैसे ही आपके दिमाग में जो कीड़े हैं, जो आपको अपने आप का दुश्मन बना रहे हैं, उनसे श्री कृष्ण लड़ेंगे। और इसके लिए वो खुद इस लोक में आने के लिए, आपके घर में आने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए, आपको गाइड करने के लिए रेडी है। बस उन्हें परमिशन तो दीजिए। तो इस साल मोटिवेशन पर निर्भर रहना छोड़िए। हर दिन बस एक स्टेप लीजिए, एक सिंपल सा स्टेप, जिसके हर कदम पर श्री कृष्ण आपके साथ हैं।